हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। डॉग डिवॉर्मिंग को कैसे कम खर्चे में किया जाए, आज उस पर वीडियो है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कद्दू या कदीमा है, पंपकिन या आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, उसका जो कच्चा वाला जो कद्दू रहता है ना, उसका बीज निकाल लेने का और उसे पहले सुखा देने का, और फिर उसके बाद जो आपके पास फ्राई पैन हो उस पर धीमी आंच पे हल्का सा उसे पकाने का, जिससे कि हल्का वो ब्राउन हो जाए। देख रहे हैं जैसे कि अब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। जब ये पूरी मतलब कि जलाने का नहीं है, इसे हल्का सा ब्राउन करने का और लो फ्लेम पे, और इसके ये फायदे हैं कि पेट के कीड़े वगैरह जो है ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और लो कॉस्ट पे मेरे घर से अभी 15 या 10 रुपए किलो के आसपास चल रहा है। अब आपके एरिया में जो रेट चल रहा हूँ, देख सकते हैं अब धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है। ये देखिए ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, और आप इसे कोई भी शीशे के गिलास में मतलब बॉटल में रख सकते हैं, और 5 से 6 दाने डेली या फिर सप्ताह में 2 या 3 बार आप देते रहें खाने के साथ। अगर डायरेक्ट खा लेता है तो अच्छा है, नहीं तो आप एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इसको जो सिल्ला लोड़ी होता है उसमें आप ये जो बीज हैं उसको क्रश करके पाउडर बना सकते हैं, जिससे कि जो दूध वगैरह या फिर जो भी आप खाने में डाइट वगैरह देते हैं उसमें ये आप डाल देंगे पाउडर के रूप में, तो ये आपके डॉग के मतलब कि जो पपी है उसके स्टोमक में जाएगा, जिससे कि पेट के जो कीड़े वगैरह जो प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 रुपए का खर्चा है, जिसमें आपका बेहतर डिवॉर्मिंग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें।